हेलो दोस्तों, गजानंद ऑटो सर्विस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये पैशन प्रो के टाइमिंग चेंज और टाइमिंग से सेट करें और ये आवाज़ किसकी है, कैसे चेक करें। पहले तो हम चालू करके गाड़ी का आवाज़ चेक करेंगे। आप देख सकते हो काम, आप ड्रीम योगा होंडा का जो मॉडल होता है सिटी 110 सीसी और पैशन प्रो, ये सारी गाड़ियों में एक ही इंजन होता है। पहले तो हमने टाइमिंग चेक कंपनी की ओरिजिनल लगा दी है। ये टाइमिंग चेंज के सारे रोलर चेंज कर देंगे। ये टाइमिंग चेंज 33,000 से 40,000 किलोमीटर तक चलती है, बाद में चेंज करनी पड़ती है। आप देख सकते हो ये चक्कर फ्री होना चाहिए, चक्कर के बीच में बोझ आता है, बाद में इसको बोल्ट हम कस के टाइट कर लेंगे। टाइमिंग चेन को हमने तार से बांध दिया है, ऐसे ऊपर खींच लेंगे ऐसे बात कर रखेंगे, क्योंकि वापस नीचे गिर जाने के बाद ऊपर लेने में दिक्कत होती है। और अब हम चेन का जो स्टेशनर का चपला होता है उससे भी एक रोलर चक्कर होता है, और टाइमिंग स्टेशनर के ये चक्कर भी घूमता है। देख सकते हो पर ऐसे आप देख सकते हो, इस पर एक बीच में बूझ होता है, इस पर एक बड़ा वाइसर और 10 नंबर का बोल्ट होता है स्पेशल, वो हम लगा देंगे। ये चक्कर पहले ही लगा देना चाहिए, चक्का लगाने के बाद ये चक्कर बैठेगा नहीं। अब हम चक्ल के ये बोल्ट गन से टाइट कर लेंगे। अब हम ये चक्ला चेक कर लेंगे, फ्री होना चाहिए, ऐसे वर्क करना चाहिए। वर्क नहीं करेगा तो स्टेशनर काम नहीं करेगा, टाइमिंग चेन आवाज़ करेगा। ये मैग्नेट के गचर किट है, इसमें आप देख सकते हो ये सेल का काम करती है। वन वे चक्कर लगा हुआ होता है, ये चक्कर किट भी बोलते हैं इसे, स्केचर किट भी बोलते हैं। आज मैं आपको बाहर निकाल के दिखाऊंगा ये किट। ये वन वे किट होती है, चक्कर को एक ही बाजू में घूमने देती है, और यह स्प्रिंग का काम करती है। दूसरी गाड़ी में स्प्रिंग आती है, इसमें स्प्रिंग नहीं है, ये पट्टी है। जितनी भी सेल वाली गाड़ी होती है उसमें ये किट लगी ही होती है, आप देख सकते हो। इस पर हम अब चक्कर आपको लगा के दिखाएंगे। ऐसे वर्क होता है, जरा ऐसे आगे की तरफ चक्कर घुमाएंगे तो जरा आगे की तरफ हो जाएगा और चक्कर लॉक हो जाएगा और पीछे घूमने देगा। तब हम इसके ऊपर चक्कर लगा के देखेंगे। अगर हम हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ये चक्कर होता है, इसके बीच में रोलर बेयरिंग होती है और चक्कर को घुमा कर ही बैठाने का है। अगर आप इसी जगह पे वो सारे वर्क करते हैं, घुमा कर ही बिठाने का है, घुमा कर नहीं बिठाओगे तो ये चक्कर अंदर जाएगा नहीं, ऐसे घुमा कर ही बिठाने का है। आप देख सकते हो ऐसे घुमाओगे तो आसानी से अंदर चला जाएगा, देख सकते हो। ऐसे बिठाने की कोशिश करोगे तो नहीं बैठेगा, उल्टा घुमाओगे फिर भी नहीं बैठेगा, इसे घुमा कर ही बिठाने का है। आप देख सकते हो ये चक्कर एक ही बार वर्क कर रहा है, ये सेल का काम करता है। ये रोलर बेयरिंग होती है चक्कर की, जो क्रैंक के लिए लगती है। अब हम इस मैग्नेट को हमने लगा दिया है, टाइमिंग बाहर से सेट करना हो तो ये एलंकी बोल खोल के यहाँ पर निशान होता है, वहाँ से आप सेट कर सकते हो। हमने हमारे पर्खा खुला है इसके लिए हम यहाँ निशान होता है अंदर की ओर, वहाँ से सेट करेंगे क्योंकि पर्खा खुला है, खुला पर्खा है इसकी, इसीलिए हम इस एरे के सामने ही रखेंगे। आप देख सकते हो हम ऊपर का जो कैमशाफ्ट पे लगता है वो चक्कर उठाएंगे। ये चक्कर कैमशाफ्ट के ऊपर लगने वाला है, ये आप देख सकते हो इस पे दो एरा और निशान दिया हुआ है, वो एरा हमें इसी पे ही मिलाने का है, एकदम स्ट्रेट में रखने का है। ये चक्कर उपसा हुआ खोचा खाँचा होता है वो कैमशाफ्ट के अंदर चला जाएगा, ये खाँचा कैमशाफ्ट की ओर रखने का है ऐसे। अब हम इसके ऊपर चेन चढ़ा देंगे, टाइमिंग चेन चढ़ाएंगे, ऐसे लेवल में रखने का है। अब हम इसके ऊपर चेन चढ़ा देंगे, ये थारा भर अब हम खोल देंगे और ध्यान रखेंगे चेन नीचे गिर ना जाए, उसका खास ध्यान रखेंगे, नहीं तो चेन गिर जाएगी तो ऊपर लाने में दिक्कत रहती है। ये तार हमने छोड़ दिया है, अब इस चेन हमें चक्कर के ऊपर रख देंगे और टाइमिंग एकदम क्रैंक पिस्टन टॉप पे रखेंगे। कटका कटका बेटा ठीक है जवान? हां ठीक है। तो बता, आप देख सकते हो ये मैग्नेट पे निशान है वो सामने, इंजन के क्रैंक केस पे भी निशान है, यहाँ हेड पे जो दो खाँचे दिए है उसके लेवल में चक्कर के दो एरे निशान है वो रखने के हैं सामने बिल्कुल। ऐसे हम टाइमिंग चेन ऊपर चढ़ा देंगे और आगे पीछे रहेगा तो चेन उधर के आगे पीछे करेंगे, घुमा के नहीं करेंगे। और अब हम गेम साफ के ऊपर लगा हुआ चक्कर के एक 13 नंबर का स्पेशल बोल्ट होता है वो लगाएंगे, इसको टाइट कर लेंगे। अब हम फिर से टाइमिंग के निशान पे लाएंगे और देखेंगे टाइमिंग एकदम बराबर है। अब हम इसका पुश रॉड लगा के आपको दिखाएंगे, सॉली हमने कंप्लीट फिट करने का है। इसका एक पैसर रख के 19 नंबर की नट होती है वो हम टाइट करना है, ये टाइट हो गया है मैग्नेट। अब हम इसका नीचे का टाइमिंग का जो
दूसरा रोड है, उसको बिठाएंगे, कैसे बिठाते हैं, वो क्या काम करता है आपको दिखाएंगे। पहले तो कैमरा सेट कर लेंगे, आप देख सकते हो उस वक्त को जब भी लगाया ऑयल वाला करके ही लगाएंगे। नीचे से उस वक्त को अंदर तक कर देंगे, ऊपर रबर खराब नहीं होना चाहिए, रबर एकदम हमारा सही था, स्पीडियो इस वजह से हमने चेंज नहीं किया। उसको भी हम लगा देंगे। पुश रॉड उधर घर के अंदर एकदम फ्री होना चाहिए, इसका एक स्पेशल बोल्ट रहता है, इसके नीचे एक पित्तल का वाइसर भी होता है क्योंकि वहाँ से ऑयल लीकेज ना हो। अब हम इसकी स्प्रिंग को थोड़ा सा कसा टेंशन लेके अब हम इसको नीचे से लगा देंगे, शॉर्ट अंदर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इसको टाइट कर लेंगे, देख सकते हो पुश रॉड लगाने के बाद चैन को चेक कर लेंगे, टाइट हो गई है चैन, कंप्लीट टाइट हो गई है। और इसके पुश रॉड के नीचे एक 10 नंबर का एयर निकालने वाला कुल दिया होता है, वो खोल के हम वहाँ पे भी ऑयल की पिचकारी लेके ऑयल डाल देंगे ताकि पहली बार जब हम चालू करें तब टाइमिंग चेन लूज होकर आवाज़ करती है। अब हमने ऑयल डाल दिया है वहाँ से, उस रोड कम्प्लीटली वर्क करने लगेगा। ऑयल नहीं डालोगे तो वहाँ एयर रहेगी तो टाइमिंग चेन नहीं डाली होगी, फिर भी टाइमिंग चेन आवाज़ करती है, वहाँ ऑयल डाल ही देना चाहिए, बाद में इंजन का ऑयल वहाँ मिलता ही है। अगर कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट भी कर सकते हो और हमें कॉल भी कर सकते हो। मैग्नेट कवर लगा देंगे, कवर लगा हो फिर भी आप टाइमिंग इसका सेट कर सकते हो, बाहर दो एलएमटी बोल्ट निकाल के आप मैग्नेट को घुमा सकते हो। दो डोयल भी लगा देंगे और ये मैग्नेट कवर भी इसका लगा देंगे और मैग्नेट का सारे बोल्ट कस के टाइट कर लेंगे। आपके सब्सक्राइब और लाइक से ही हमारी चैनल चलती है, ऐसे आप चाहते हो ऐसे वीडियो हम लाते रहें तो आप हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको कुछ भी मदद चाहिए तुरंत हमें कॉल करें किसी भी टाइम, या कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट का जवाब हम तुरंत देंगे। हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। गंद के मदद से हम सारे बोल्ट टाइट कर लेंगे।
अब हम आप देख सकते हो चेन एकदम कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका कैमशाफ्ट चक्कर वाला भी वो टाइट कर लेंगे, बाद में टैपेट कवर भी हम लगा देंगे। ये मैग्नेट का वायरिंग है भी लगा दें, टैपेट कवर भी हम लगा देंगे। हम सबका चक्कर दिखता है उसका भी OHC कवर लगाएंगे और इसका तीनों बोल्ट लगा देंगे। अगर आप चाहते हो दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाए तो आपके टॉपिक का नाम, गाड़ी का मॉडल का नाम और वीडियो इसके बारे में बनाना है उसका नाम लिख कर आप हमें भेजिए, कमेंट कर दिए, हम उसका भी वीडियो जल्द से जल्द यूट्यूब में डाल देंगे। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे ताकि हम ऐसे नए नए वीडियो बनाते रहे। ये काम आप पैशन प्रो, ड्रीम योगा और होंडा का जो CT 110 मॉडल होता है उसमें सेम इंजन होता है, उसका इंजन और ये इंजन एकदम सेम होता है। इसका पार्ट्स इसमें भी लगता है, इसी का पार्ट्स उसी गाड़ी में भी लगता है। आप ऐसे लगाकर लगा सकते हो। ये टाइमिंग की चेन जो हमने चेंज की वो 30 से 35 हज़ार किलोमीटर तक की चलती है, बाद में चेंज करनी ही पड़ती है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।